मार्केटिंग की आड़ में 1,000 करोड़ का घोटाला, 7 लाख लोगों को चुना, 3 गिरफ्तार। हैदराबाद एग्री गोल्ड ओंकार यूनिट मल्टी लेवल घोटाले मामले थमे ही नहीं की साइबराबाद आयुक्त परिधि में इबिस नाम से एक और मल्टी लेवल मार्केटिंग घोटाले का खुलासा हुआ है। नोएडा उत्तर प्रदेश में यह 2001 के दौरान स्थापित की गई ibis.com प्राइवेट लिमिटेड ने मल्टी लेवल मार्केटिंग की आड़ में लगभग 1 लाख लोगों को 1,000 करोड़ रुपए का चुना लगाया। इस कंपनी के खिलाफ हैदराबाद के माधापुर पुलिस थाने के अलावा वर्गल और अलीलाबाद जिले में भी ठगी के मामले सामने आए हैं। इबीज के खिलाफ IPC की धारा 406, 420, 506 और प्राइस चीट्स ऑल चीट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 6 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों के संबंध में नोएडा निवासी और कंपनी के प्रबंध निदेशक पवन मलहन और उनकी अनीता मलहन और पुत्र हितेश मलहन को साइबराबाद की माधापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसकी 70.5 करोड़ की नकदी जो विभिन्न बैंक खातों में जमा है वो फ्रीज कर दिए हैं। जांच पड़ताल में मल्टी लेवल मार्केटिंग का खुलासा होने पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई कर कंपनी के प्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में शामिल और लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।